आज लोगों के सक्रिय रहने के कारण यह हादसा को जितना भी इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है और माननीय रेल मंत्री जी भी इसकी जांच के लिए टीम को भेजे हैं, सब लोग बेपट्टी को फिर से सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार के बक्सर में रेल हादसे के बाद से जो तस्वीरें सामने आई वो काफी भयावह है। आपको बता दें कि अभी लगातार जो है लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जो घायल हैं उन सभी का वही जो हालात हैं इसका जायजा लेने के लिए सम्राट चौधरी भी पहुंचे। सम्राट चौधरी वहां पहुंचकर जायजा ले रहे थे, तो अश्विनी चौबे भी भागते भागते वहां पहुंचे। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि विजय सिन्हा का बयान सामने आया। विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं इस रेल हादसे पे, आप कुछ सुनिए। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वे पटरी हुआ और कुछ लोगों की मौत, कुछ लोग घायल हुए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आई है, चार लोगों की मौत हुई है और 30 से अधिक घायल हैं जो खतरे से बाहर हैं। बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। मृतक परिवार के साथ हमारी संवेदना है और जो घायल है सभी सामाजिक कार्यकर्ता, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी हमने बात की है और वो लोग इनके राहत में लगे हुए हैं। आज लोगों के सक्रिय रहने के कारण यह हादसा को जितना भी इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है और माननीय रेल मंत्री जी भी इसकी जांच के लिए टीम को भेजे हैं, सब लोग बेपट्टी को फिर से सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कई लोग वहां पर गए हैं। संजोग से हम तो इधर कटिहार निकल गए हैं और इस तरह के हादसे आगे नहीं हो इसके लिए जांच पूरी जरूरी है ताकि ये घटना का पूरा कारण पता चल सके।